जीरो लेवल से आपका ये क्लास स्टार्ट हो रहा है और ये क्लास ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकृत पदार्थ अवकृत पदार्थ सबका बेहतरीन नॉलेज देगा। तो आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में छह इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकृत पदार्थ और अवकृत पदार्थ। सबसे पहले से यहां आप पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण क्या है। नाइन्थ टेंथ में जितना भी परिभाषा आपने पढ़ा वो सब क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित था, पुरानी विचारधारा पर। तो नाइन्थ टेंथ के उस परिभाषा को याद दिलाते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को बताते हुए आप ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा जानने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर, आप लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब पुरानी विचारधारा। और आप क्या जानते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, इतना तो जरूर जानते हैं कि ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो ये दो परिभाषा जो दोनों जान रहे हैं, दोनों का दोनों क्लासिकल है, पुरानी विचारधारा है। ये कुछ रिएक्शन तक ही सीमित है, जरूरी है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन संयोग करेगा, तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। उतना आप पहले जो जानते हैं वो पहले जान लीजिए, और हर एक परिभाषा कुछ कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होना ही, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो या ऑक्सीजन के बदले में कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग हो, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जैसे इसको आप कैसे सहज ढंग से समझेंगे, जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं Mg प्लस O2 NO2 MgO, हम आपसे पूछेंगे कि अभिक्रिया से पहले Mg है और अभिक्रिया के बाद MgO हो गया, बताइए नया तत्व कौन आके मिल गया। तो Mg का MgO में बदलाव, परिवर्तन ही ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण कोई पदार्थ का नाम नहीं है, ऑक्सीकरण एक परिवर्तन का नाम है, एक प्रक्रम का नाम है। तो Mg का MgO में बदलना क्यों ऑक्सीकरण है, तो आपका जवाब होगा क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है। अब आइए दूसरे रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन जैसा व्यवहार रखने वाला क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन अधातु है और विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो हम इस रिएक्शन को दिखाकर आपसे पूछेंगे कि बताइए Mg का MgCl2 में बदलने में कौन सा नया तत्व आ गया, ऑक्सीजन तो नहीं आया लेकिन क्लोरीन से संयोग हो गया। तो ऑक्सीजन से संयोग हो या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व उसके साथ संयोग हो जाए, तो आप कह दीजिए कि क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व, नेक्स्ट परिभाषा, किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो जाना ही ऑक्सीकरण है। कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हैं उसमें विद्युत धनात्मक तत्व को पहचानिए और उसकी संयोजकता रिएक्शन के बाद बढ़ जाए तो कह दीजिए कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे आप पहले इस रिएक्शन को समझने से पहले बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, FeCl2 आप लोग को इतना पता है, अगर आपसे पूछेंगे हम कि बताइए तो एल्यूमिनियम की संयोजकता बताइए, तो इसका संयोजकता इस पर देखकर बताया जाता है और इसका संयोजकता इस पर देखकर बताया जाता है। तो जल्दी से बताइए FeCl3 में Fe की संयोजकता कितनी है, 3 और FeCl2 में, 2 FeCl2 में कितनी है, 2 तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखा जाए, इस रिएक्शन में अभिक्रिया से पूर्व जो FeCl2 है इसमें Fe की संयोजकता कितनी है, 2 और अभिक्रिया के बाद कितनी हो गई, 3 तो संयोजकता विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि आयरन की संयोजकता बढ़ गई कि घट गई। तो जब जब संयोजकता बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। किस आधार पर हो गया, विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में वृद्धि होने से। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, यह आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है, आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने ध्यान लगाया Fe पर, देखा कि रिएक्शन से पूर्व इस FeCl2 में जो Fe की संयोजकता है वो 2 है और ये स्पष्ट नजर आ रहा है, FeCl2 में Fe की संयोजकता 2 है
और एबीसीएल थ्री में भी संयोजकता तीन है, तो संयोजकता दो से बढ़ के तीन हो जाना एबीसीएल टू का एबीसीएल थ्री में बदलना ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण यहां पर किस आधार पर बताए, ऑक्सीजन के या विद्युत धनात्मक तत्व के संयोग करने के आधार पर, यहां किस आधार पर बताए विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता बढ़ जाने के आधार पर। तीसरा मूल आधार, किस यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि हो जाने के आधार पर, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात अगर बढ़ जाएगा तो हम कह देंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। जैसे SnCl2 में आपसे हम पूछे कि Sn और Cl का अनुपात कितना का है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है बोलना है, एक अनुपात दो, लेकिन SnCl4 में तो एक एक सेम, लेकिन इसका अनुपात दो से बढ़ के क्या हो गया, किसका अनुपात बढ़ा, सीएल का कि एसएन का, तो सीएल विद्युत ऋणात्मक है कि विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अधातु है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि SnCl2 में एसएन और सीएल का अनुपात एक अनुपात दो है, और SnCl4 में एसएन और सीएल का अनुपात एक अनुपात चार हो गया, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात दो से बढ़ के तो कहा जाएगा किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किस आधार पर विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात बढ़ने के कारण। तो हर बार हर रिएक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, किस चीज का, ऑक्सीकरण का। अभी आप लोग जितना बारीकी से अलग अलग टाइप के रिएक्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर ऑक्सीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, सबको उलट देंगे तो अवकरण का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीकरण ध्यान से समझने का फायदा मिलेगा कि आपको उसका उल्टा अगर जैसे ही सोचिएगा तो अवकरण हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से ऑक्सीकरण पहले समझिए, ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होने दीजिए, और उसके बाद तुरंत उल्टा उल्टा बोलेंगे तो अवकरण हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीकारक पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक अच्छे से समझेंगे, ऑक्सीकारक का उल्टा उल्टा बोलेंगे अवकारक हो जाएगा। तो पहले अभी ऑक्सीकरण चल रहा है, तीन कॉन्सेप्ट आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट का समझ चुके हैं, चौथा आप लोग खुद बोल दिए हैं, क्या बोले हैं, किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व के साथ विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासित होना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व हटे चाहे हाइड्रोजन हटे, अभी हम लोग सिर्फ ऑक्सीकरण के बारे में सोच रहे हैं। तो बताइए, तो अभिक्रिया से पूर्व H2S है और अभिक्रिया के बाद केवल S, आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन हट गया, तो हाइड्रोजन हटा है, इस आधार पर हम इसको कहेंगे कि H2S का S में बदलना ऑक्सीकरण है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हम कहेंगे तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ जाएगा तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ जाएगा तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये चार आधार पर आप पढ़े, ये चारों क्लासिकल कॉन्सेप्ट का विचार था। अब हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा पर। तो पहले ये समझाने का प्रयास करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा क्या होता है। कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के विचार पर कोई चीज़ अध्ययन करिएगा, त्याग और ग्रहण पर बात करके बता दीजिएगा, तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा। और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण में होता क्या है। तो ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और कैसे त्याग होता है आप ही बताइए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। 12 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, MgCl2। क्या आप लोग MgCl2 का लेविस बिंदु संरचना बना सकते हैं, कैसे, MgCl2 का लेविस बिंदु संरचना कैसे बनेगा, Mg के बाहर तम कक्ष में दो Cl आएगा, ठीक है, दो Cl है, दो Cl अपना साथ लाएगा, ला दिया, अब ये क्या करेगा बताइए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देगा, और दोनों को देगा तो ये क्या हो जाएगा जी, Mg++ और 2Cl, ये Cl का अपना ये सात और एक आया हुआ, और उसी तरह से यहाँ पर भी ये Cl का हो गया, ये आया हुआ, तो ये माइनस माइनस। तो आप रासायनिक बंधन का नॉलेज ले चुके हैं, MgCl2 भले ऐसे देख रहे हैं लेकिन आप लोग के दिमाग में ऐसा दिखना चाहिए, NaCl भले ऐसे देखते हैं लेकिन आपके दिमाग में ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है मतलब आप केमिस्ट्री का ओरिजिनल नॉलेज रख के पढ़ रहे हैं। प्लस माइनस कट जाता है और उदासीन लगता है, ये प्लस माइनस कट जाता है उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं बाहर आता है, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस। और अब हम
इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा पर सिखाने जा रहे हैं ऑक्सीकरण का प्रक्रम, ध्यान दीजिए। 282 और यहाँ मैग्नीशियम किस रूप में है जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। मैग्नीशियम किस रूप में है? Mg++ के रूप में है। तो Mg++ के पास कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? दो लस कर दिया। तो अभिक्रिया से पूर्व Mg था और अभिक्रिया के बाद Mg++ हो गया। आपसे अगर साधारण नॉलेज से भी अगर हम पूछे कि आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही से बताइए, क्या लग रहा है, लॉस किया कि गेन? समझ गए? अब हम एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार समझा रहे हैं, जो अभी तुरंत काम करना शुरू करेगा ट्वेल्थ क्लास में बार बार जरूरत पड़ेगा, और अभी हमको जरूरत पड़ेगा तीन चार दिन इधर बीच लगातार, और अभी बताने जा रहे हैं। पहले तो इसे समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विद्या से, अब समझिए किसी भी हाफ रिएक्शन फुल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन में आवेश संतुलन के लिए, चार्ज बैलेंसिंग के लिए केमिस्ट्री के दुनिया में ई जोड़ा जाता है, प्लस ई आवेश संतुलन के लिए, और लिखा जाता है प्लस ई लेकिन वैल्यू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस वन यूनिट होता है, और रिएक्शन में कभी माइनस नहीं लिखा जाता है, रिएक्शन में क्या लिखा जाता है? अब हम क्या सिखाने जा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान लगाइए तब सीख पाइएगा। कल बताइए हमको जल्दी से, अभिक्रिया से पहले रिएक्शन से पहले इस पर कुल चार्ज कितना है? एकदम सही, जीरो। जो दिख रहा है वही बोलना है। इस पर कितना दिखाई दे रहा है? दो नहीं, प्लस टू, प्लस टू। तो प्लस टू को और जीरो को बराबर करना है, मतलब दोनों तरफ आवेश बराबर करना है, और आपके पास मात्र एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन जोड़कर। इलेक्ट्रॉन लिखिएगा प्लस में लेकिन वैल्यू होगा माइनस वन। तो बोलिए क्या कीजिएगा, किधर कीजिएगा कि दोनों आवेश बराबर हो जाए? अगर यहां पर लिख दीजिएगा प्लस टू ई, तो प्लस टू और माइनस टू कट जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। अब इस बात को अलग से आवेश संतुलन वाला कॉन्सेप्ट को बढ़िया से डिटेल में समझा रहे हैं, सीखिए। कितना माइनस, कितना माइनस, क्या करें किधर करें? बस एक रास्ता है, एक माध्यम है, इलेक्ट्रॉन। बोलिए किधर जोड़े, कितना जोड़े? इधर प्लस टू ई, तो हो जाएगा माइनस फोर बराबर, ठीक है, सी ए प्लस प्लस एरो सी ए, इधर है प्लस टू इधर है जीरो प्लस टू ई, तो ये माइनस टू प्लस टू कट गया। अरे समझ में, वाई प्लस 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 एरो वाई प्लस, इधर प्लस फोर इधर प्लस वन बराबर करना है, माइनस नहीं लिखाता है प्लस से लिखाएगा प्लस थ्री ई, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, लिखेंगे प्लस थ्री वैल्यू होगा माइनस थ्री, इसमें घट के बचा कितना है प्लस वन बराबर। तो इस तरह से आवेश संतुलन करना आप सभी स्टूडेंट सीख गए। जैसे ही सीखे ये रिएक्शन आपसे कुछ बोलने लगा और आप उसका लैंग्वेज समझिए क्या बोल रहा है, कि Mg से Mg++ बदलने में दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो जो आप इससे समझ रहे थे, इसको देख के समझ रहे थे, अब आप इसी समझ जाएंगे कि जहां एरो के बाद इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब लॉस, और जहां एरो से पहले रहेगा तो इसमें लॉस हुआ है कि गेन, त्याग हुआ है कि ग्रहण, तो ये ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? अवकरण है। और ये क्या है? ऑक्सीकरण का कोई रिएक्शन होगा एरो के बाद इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, अवकरण का कोई रिएक्शन रहेगा एरो से पहले, एरो से पहले मतलब उतना ग्रहण करेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा, और यहाँ पर आप क्लियर आप समझ चुके हैं कि ये कैसे डॉट डॉट ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। चलिए लास्ट ऑक्सीकरण का परिभाषा आप पढ़ने जा रहे हैं, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आप दो दिन से मेहनत किए हैं, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें क्षमता है कि दुनिया के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण को समझा देगा, अवकरण को जल्दी समझा देगा। आप जो पीछे पढ़ कर आए हैं पांच परिभाषा पांच डिफिनेशन, वो कोई कोई रिएक्शन में लागू होता है, सब में नहीं लागू होता है, सब में आप सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये पढ़ लेने के बाद पीछे के सारे रिएक्शन में फुल स्पीड में बता देंगे
कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के विधि पर बोर्ड पर ध्यान बनाइए, ध्यान से समझिए। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि को समझाने। ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब एक शब्द का हम इस्तेमाल कर दिए, सक्रिय परमाणु, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण संख्या एरो से पहले और एरो के बाद बदलते हुए नजर आए, बदलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर बदलते हुए किसका नजर आ रहा है, देखिए Cl का धातु के क्लोराइड में माइनस वन होता है और यहाँ भी माइनस वन रहेगा, तो ये एक्टिव एलिमेंट है नहीं, क्योंकि धातु क्लोराइड भी है, धातु क्लोराइड भी है, माइनस वन। लेकिन जरा सा Sn के बारे में, जरा SnCl2 में Sn का ऑक्सीकरण संख्या निकलवाइए जो सीखे हैं। Sn का x धातु के क्लोराइड में Cl का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x बराबर, ऐसे ही SnCl4 में Sn का निकलवाइए, बढ़ गया कि घट गया। अभिक्रिया से पूर्व Sn का ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू था और अभिक्रिया के बाद, तो जब जब ऑक्सीकरण संख्या एरो के बाद, अभिक्रिया के बाद बढ़ जाएगा किसी परमाणु का, कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। इतना आसान है, बस चेक करेंगे, अगर बढ़ गया तो ऑक्सीकरण और घट गया अवकरण, उल्टा। अब आप लोग के पास इतना जबरदस्त क्षमता गया है कि पांचों रिएक्स कॉन्सेप्ट में आप जाकर पीछे बता सकते हैं, और भी जल्दी जल्दी, लेकिन तब बता सकते हैं जब रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक याद हो। क्या आप लोगों में कोई क्षमता में है जो बता सकता है Mg का ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान जीरो होता है, रूल नंबर 1। Cl O2 का ऑक्सीकरण संख्या जीरो, Mg क्षारीय पार्थिव धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस टू होता है, क्षारीय पार्थिव धातु है और ऑक्सीजन का यहाँ हो गया माइनस टू। तो जल्दी से बताइए किसका बढ़ गया, Mg का कि ऑक्सीजन का, Mg का कितना था, Mg का कितना हो गया, तो बढ़ गया कि घट गया, यही कारण है कि Mg का MgO में बदलना ऑक्सीकरण है। Mg का MgO बदलना ऑक्सीकरण क्यों है, क्योंकि अभिक्रिया से पूर्व इसका जीरो था और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या जीरो है और अभिक्रिया के बाद प्लस टू हो गया, अभिक्रिया से पहले ये प्लस टू है, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले यहाँ देखिए प्लस टू है और अभिक्रिया के बाद यहाँ प्लस थ्री हो गया। अब इसको प्लस थ्री नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया से यहाँ लिखेगा x माइनस वन गुणा थ्री बराबर जीरो, हल करेगा तो ऑक्सीकरण संख्या जब जब बढ़ेगा तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और जब जब घटेगा। तो आप ऑक्सीकरण का छह परिभाषा पढ़े, चार क्लासिकल पर, एक इलेक्ट्रॉनिक पर और एक पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर पर। अब एकदम छह को उलट दीजिए, उल्टा कॉन्सेप्ट के साथ ले आइए बारी बारी से, तो छह परिभाषा अवकरण का बन जाएगा। बोलिए पहला का उल्टा, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग होना ऑक्सीकरण अवकरण कहलाता है। किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो जाना ऑक्सीकरण, तो कमी हो जाना अवकरण। जस्ट उल्टा उल्टा बोलना है, और ये उल्टा उल्टा करके कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है अवकरण का, जो बोले सामने आ गया, सामने देख लीजिए किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व के साथ संयोग होना ऑक्सीकरण, और कैसे संयोग होना देख लीजिए अवकरण। बल्कि यहाँ देखिए I2 है, अभिक्रिया से पहले I2 है और अभिक्रिया के बाद 2HI। अब आपसे हम पूछेंगे किसे संयोग हो गया, इसलिए इसका अवकरण हो गया। अभिक्रिया से पहले Cl2 था, अभिक्रिया के बाद MgCl2 आ गया, विद्युत धनात्मक तत्व तो आया, हाइड्रोजन नहीं आया लेकिन हाइड्रोजन जैसा विद्युत धनात्मक तत्व आ गया, इसलिए अवकरण हुआ। यहाँ पर देखिए किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में कमी हो जाना, वहां वृद्धि हो जाना था या कमी, तो ये देखिए इसकी संयोजकता अभी कितनी है, FeCl3 में Fe की संयोजकता कितनी है, तीन, और अभिक्रिया के बाद FeCl2 में, यानी FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या है, किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ जाना ऑक्सीकरण और घट जाना। तो अभिक्रिया से पूर्व अनुपात कितना का है चेक कीजिए, अभिक्रिया के बाद चेक कीजिए,
कटेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता तो पहले अनुपात में दो था, अब एक हो गया। पहले एक कॉपर दो क्लोरीन से संयोग कर रहा था, अब यहां दो कॉपर दो क्लोरीन से, मतलब एक कॉपर एक क्लोरीन से, तो अनुपात घट गया। तो इसलिए रिडक्शन। किसी यौगिक में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना, वहां था उल्टा जुटना, ठीक है। यहां ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना अवकरण कहलाता है। कैसे हट रहा है देख लीजिए, अभिक्रिया से पूर्व CuO है और अभिक्रिया के बाद Cu। आपसे पूछेंगे कौन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए इसका इसमें बदलना अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया और आप अवकरण पढ़ रहे हैं। तो ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट अवकरण का, पुरानी विचारधारा जो समाप्त हुआ। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा, पहले ऑक्सीकरण वाला हमको बताइए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा में क्या पढ़े थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है लॉस, तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्रहण। ग्रहण कैसे हो रहा है देख लीजिए, अभिक्रिया से पहले इस रिएक्शन में Cl के रूप में है और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर अभी बनाए थे, देख लीजिए, ठीक है। तो वहां एक बार फिर से बना देते हैं, देख लिया जाए, Mg++ था और 2Cl- था, Mg++ था और 2Cl, तो इसको इस रूप में आपको देखना है। और देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि अभिक्रिया से पहले Cl है, तो अभिक्रिया के बाद Cl-। तो यहाँ पर बताइए, पहले आपको जितना नॉलेज है बताइए, 287, अब इसका बोलिए तो, अब इतना ही देखकर हमको बताइए ग्रहण किया कि त्याग, ऐसे समझ में आ गया। अब आप लोग को एक और कैपेसिटी अभी तुरंत दिए हैं, आवेश संतुलित करवाइए, इधर आवेश कितना है 0, इधर कितना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है, जुड़वाइए, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे मतलब ग्रहण किया कि त्याग। इसलिए जितना भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो रिएक्शन अवकरण का होता है, कोई दिक्कत है। तो अवकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी परमाणु द्वारा या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यहां पर ग्रहण हुआ है। लास्ट ऑक्सीकरण संख्या के विचारधारा पर, जो आप पहले ही दिमाग में फिट कर लिए कि ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण कहेंगे और कमी होगी तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए। अवकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी यौगिक में सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और आप देख भी लीजिए Cl का ऑक्सीकरण संख्या, आप लोग कल ही पढ़कर गए थे, Cl का Cl2 में ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ना ये खींचेगा। तो यहां पर Cl का ऑक्सीकरण संख्या कहां से पढ़े, धातु के क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -1 यहां 0 है और यहां -1 हो गया, तो घट गया कि बढ़ गया, 0 बढ़ा कि -1, 0 बढ़ा, तो घट न गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाना ही क्या कहलाता है। अब हम जो बात बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, आप अभी पहली बार हमारे क्लास में ऑक्सीकरण पढ़े अवकरण पढ़े, दोनों अलग अलग पढ़े, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ चलता है, एक ही रिएक्शन में दोनों काम होते रहता है और दोनों में दोनों को जाकर आप समझने का क्षमता रखते हैं, दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन में हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवकरण दोनों, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों बताना है आप लोग को, तो देख लीजिए +2 था +4 हो गया, इसका इसमें क्या हो गया जी ऑक्सीकरण, लेकिन इसका 0 से घट के -1 हो गया, तो क्या हो गया अवकरण। इसी में नहीं, जितना रिएक्शन बोर्ड पर अभी आपके सामने आके गया सबको बता सकते हैं किसका ऑक्सीकरण किसका अवकरण, क्योंकि हम चैलेंज दिया है आप लोग को कि एक ऐसा मेथड है जिसमें सारे रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण, यही कारण है कि इन सभी रासायनिक अभिक्रिया को रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है। ये देखिए Fe का 3 यहाँ Fe का +2, तो आप कहिएगा कि इसका इसमें बदलना रिडक्शन है, लेकिन यहां पर देखिए S का, यहां S का +4 है और यहां S का +6 है, ये कैसे इतना जल्दी हमको दिखाई दे रहा है। अब बढ़िया से देखिए S का X मान लिए
ओ का माइनस टू गुणा टू बराबर जीरो, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, कोई रटंत विद्या नहीं। और यहाँ पर एस टू एसओ फोर में प्लस वन हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन इसका एक्स, कोई नियम नहीं होता है सल्फर का, माइनस टू इंटू फोर बराबर जीरो, सॉल्व करिए प्लस छ आएगा, सॉल्व करिए प्लस, तो प्लस चार से प्लस छ होना क्या कहिएगा। और यहाँ तो इसलिए हमने बताया कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ चलता रहता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात अलग है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले ऑक्सीडेशन बढ़िया समझाया गया, छह तरीके से समझाया गया, छह अलग टाइप के, और तीन कॉन्सेप्ट पर समझाया गया, फिर रिडक्शन समझाया गया। जब भी पूरा समझ गए तो आप पूरा पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर किए। और अब दो शब्द आपके सामने आने जा रहा है, जिसमें से पहला शब्द है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक अकारक भी आप दो पैटर्न पर समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकारक क्या है, देखिए ऑक्सीकरण अवकरण एक प्रक्रम का नाम है, एक बदलाव का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है, लेकिन ऑक्सीकारक अकारक एक पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण के होने में सहायक होता है। अब इसको ध्यान से समझेंगे तो यही आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम करेगा, विद्युत रसायन जो ट्वेल्थ का चैप्टर आ रहा है। और यहीं पर कुछ ऐसा हम कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट को देने जा रहे हैं, तो अगर ध्यान से समझ लिए तो आज का दिन एकदम सफल रहेगा, आप लोगों का मेहनत दोबारा डबल बैच करना जबरदस्त रहेगा। बस अब थोड़ा सा हमको ये बताइए कि ये रिएक्शन से पहले इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, और रिएक्शन के बाद इसके पास ये Mg किस रूप में है, Mg++, और O किस रूप में है, O-, इसके पास इलेक्ट्रॉन हुआ दो आठ। अब उसी तरह ऑक्सीजन यहाँ दो छः और यहाँ पर दो आठ, तो जरा सा ध्यान दीजिए। अभी इसका इसमें बदलना आप लोग के अनुसार क्या है, Mg का Mg O में बदलना क्या है, ऑक्सीकरण, क्योंकि लॉस किया, और लॉस करने वाला क्या होता है। अच्छा ये बताइए, कोई लॉस करना चाहता है तो लॉस तो तब भी ना करेगा जब कोई दूसरा ग्रहण करने के लिए तैयार हो, अगर ग्रहण नहीं करेगा तो लॉस कर देगा। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकारक का, वह पदार्थ, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीकरण के संपन्न होने में सहायक होता है, मतलब ऑक्सीकरण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको गेन कर ले। तो बताइए, पता लगाइए इसमें कौन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यही वो पदार्थ है जो नहीं रहता तो ऑक्सीकरण नहीं होता, यही है ओए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने लॉस किया तो ऑक्सीकरण तो हो गया, लेकिन ऑक्सीकरण तब तक नहीं होगा जब तक कोई गेन ना करे, और गेन किसने किया, ऑक्सीजन ने, तो ये ऑक्सीकारक है। अब हम आपको ऑक्सीकारक समझा दिए, और अब अवकरण के बारे में सोचिए कि अवकरण में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किस में हो रहा है, O2 का MgO में बदलना, O2 का MgO में बदलना क्यों ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दो छः वाला था और यहाँ ऑक्सीजन जो है दो आठ वाला हो गया, क्योंकि O- के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ग्रहण तब न करेगा जब कोई त्याग करे, तो त्याग किसने किया, ये हो गया अकारक। तो हम आपको अब जो चीज समझाने जा रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा। अभी आपके सामने ऑक्सीकारक का केवल परिभाषा क्लियर हुआ कि ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस अवर्त सारणी में वो कौन कौन तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना अधातु, तो जितना अधातु का एग्जाम्पल देना है दे दीजिए, सब जो चैलेंज आप लोगों को दिए थे क्लास के स्टार्टिंग में कि 10 ऑक्सीकारक 10 अवकारक का नाम बताइए, अब तो एकदम फटाफट बता सकते हैं, जितने अधातु है सबका सब क्या है, नाम गिनवाइए। अधातु में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सब क्या हो गया, ऑक्सीकारक। और जितना धातु है अवकारक हो गया। यही 10-10 एग्जाम्पल देना था और प्राइज जीत लेना था। सभी अधातु ऑक्सीकारक है, सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला रासायनिक समूह ऑक्सीकारक होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या होता है, अवकारक होता है।
तो ये अक्षिकारक अवकारक का जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण पर, जो थोड़ा सा भारी लगेगा, थोड़ा समझने में हार्ड लगेगा, टाइम बर्बाद करवाएगा, अब आपको हम एकदम मेन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जो आप जोड़ घटाव पर मैथमेटिकल ढंग से पढ़ना चाहते हैं, माइंड पर प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिर से उसी रिएक्शन पर एग्जांपल, और फटाफट पता चलेगा कि कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, बस कुछ नई ऑक्सीकरण संख्या फटाफट सब पर लिखवा दीजिए, लिखवाइए, जीरो जिसका ऑक्सीकरण संख्या आगे चल के घट जाता है वो ऑक्सीकारक, क्योंकि इतना तो पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। तो जरा देखिए हो क्या रहा है, जीरो से घट के क्या हो रहा है। तो सभी रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीकरण संख्या आगे चल के घट जाए तो वो ऑक्सीकारक, वो पदार्थ ऑक्सीकारक, और जिसका बढ़ जाए अवकारक। तो आपके सामने ये रिएक्शन है, अब आपको पहचानना है कि इसमें कौन ऑक्सीकारक कौन अवकारक। खटाखट देखिए यहाँ पर प्लस टू जीरो पहले लिखवाइए सब बढ़िया से, प्लस टू माइनस वन जीरो प्लस टू माइनस वन। अब आइए सीएल टू का जीरो से माइनस वन होना इस बात का प्रमाण है कि ऑक्सीकारक है। एफ का प्लस टू से प्लस थ्री तो ये क्या है, अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लास ले रहे सर जी, बात कर रहे हैं आपसे। चलिए तो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों समझा दिए, अब जो समझाए उसमें मूल मंत्र यही है कि सभी धातु अवकारक होता है और सभी अधातु ऑक्सीकारक होता है, सभी इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला ऑक्सीकारक होता है और त्याग ग्रहण करने वाला जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए वो अवकारक और घट जाए ऑक्सीकारक। और यही चीज अब सजा कर लिखा हुआ है, बढ़िया से देख लीजिए। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के संपन्न होने में सहायक होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने वाला इसमें कौन है, ऑक्सीजन। इसमें ग्रहण करने वाला अब ये यहाँ पर दिया, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, तो कमी वास्तव में देख लीजिए हो रही है, यही ऑक्सीकारक बनने के लायक है। अब यहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आ गया। सभी अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, जो सुने हैं लिखित रूप में। सभी इक साल्ट, आप लोग समझते हैं इक साल्ट और अस साल्ट क्या होता है, जान लीजिए। आज लोहा का दो संयोजकता होता है प्लस दो प्लस तीन, बट पर अगर ये सीएल से संयोग करे तो यहां वन संयोजकता से संयोग करे तो ये भी सीएल टू, और तीन संयोजकता संयोग करे तो ये भी सीएल थ्री। इसको पढ़ते हैं फेरस क्लोराइड और इसको पढ़ते हैं फेरिक क्लोराइड। तो इसको कहते हैं उच्च संयोजकता वाला लवण या यौगिक, इसको निम्न संयोजकता वाला। इसको बोल रहे थे समय सावधानी बरत रहे हम, फेरस क्लोराइड अस लगा रहे हैं, और इसको फेरिक, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। SN का दो संयोजकता होता है SN2 प्लस 4 प्लस, CL से संयोग करने जा रहा है तो यहां बनेगा SNCl2, चार संयोजकता संयोग करके SNCl4। इसको पढ़ेंगे स्टेनस क्लोराइड और इसको पढ़ेंगे स्टेनिक क्लोराइड। तो एक होता है अस लवण अस साल्ट और एक होता है इक साल्ट। इक माने उच्च संयोजकता, अस माने निम्न संयोजकता। तो जितना इक साल्ट होता है, जितना उच्च संयोजकता वाला होता है, जितना हायर वैलेंसी वाला होता है, सब का सब ऑक्सीकारक होता है। सभी धातु के ऑक्साइड ऑक्सीकारक होते हैं, सभी अधातु के ऑक्साइड कुछ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं SO2 SO3। सबसे बताइए आवर्त सारणी में सबसे ताकतवर कौन है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आज के बाद याद रखिएगा कि वो कौन सा तत्व है जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, फ्लोरीन, यानी मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अमंग द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो है फ्लोरीन। और यहाँ पर कुछ फेमस ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल दिया गया है KNO4 K2Cr2O7 H3PO4 ठीक है H2SO4 EDC ठीक है। और अब अवकारक, अवकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवकरण के होने में सहायता करते हैं, और अवकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रदान कौन कर रहा है इसमें, मैग्नीशियम,
ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था, 282, और यहाँ 28 हो गया, मतलब घट गया कि बढ़ गया, त्याग कर दिया कि ग्रहण, इसलिए ये ऑक्सी का ये अकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आरए का फुल फॉर्म रिड्यूसिंग एजेंट अकारक। अकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, तो चेक कर लीजिए, यहाँ प्लस 2 था और यहाँ प्लस 3 हो गया, मतलब ये क्या बना, अकारक हो गया, क्योंकि वृद्धि हो गया, तो ये अकारक। अब अकारक के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सभी धातु क्या होते हैं, अकारक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जितना भी है धातु का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे दीजिए, सब अकारक का होगा, इसी को हमने पूछा था। सभी धातु के अश्लवण असाल्ट क्या होते हैं, जैसे फेरस कोलाइड, स्टेनस कोलाइड, क्यूप्रस कोलाइड, मर्क्यूरस कोलाइड, ये सभी क्या होते हैं, अकारक होते हैं। सभी हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड नहीं जानते हैं, जान लीजिए, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये सब हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, अकारक की तरह कार्य करते हैं। धातु के ब्रोमाइड और आयोडाइड, धातु का ब्रोमाइड और पोटेशियम को आयोडाइड, जिंक ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सभी क्या होते हैं, अकारक। अब 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट, आपके नॉलेज का यूज, आपके पेशेंस का यूज कर रहे हैं हम, यही रिएक्शन पर हम पूरा समझाए हैं, और आपको अब जाते जाते ये बता देना है किसमें से किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अकरण हुआ, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अकारक है, बता दीजिए। एमजी का 0 से +2 होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक प्रक्रम का नाम है। O2 का MgO में बदलना अवकरण। तो आपको बता दे कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है, और किसका किसमें हुआ लिखवाइए तीर देकर, Mg का MgO में बदलना, रिडक्शन बताइए, O2 का MgO में बदलना, तीसरा ऑक्सीकारक कौन बना, किसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, O2, तो ये ऑक्सीकारक, और किसने त्याग किया, तो ये हो गया ऑक्सीकारक Mg, Mg का बल्कि O2, और अकारक जिसने त्याग किया वो अकारक होता है, तो त्याग किसने किया। अब 2 शब्द और है जो समझाना नहीं है, बस देख लेना है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वही ऑक्सीकृत पदार्थ होता है, और जिसका अवकरण होता है, तो इस रिएक्शन को देखकर बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकृत पदार्थ और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, Mg, और रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, O2। तो ये था एक जबरदस्त क्लास, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस के लिए। थैंक यू।